आया है नाज बिटा ये फोन, जब से हाथ में आया है अपनों को अपनों से इसने दूर भगाया है, अपनों को अपनों से इसने दूर भगाया है, सभी संस्कारों को इसने पैरों तले दबाया है, सभी इमोशंस का टेस्ट इसने अपलोड करवाया है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रस्तुति। 2009 और 2024 आपस में टकराते हुए। अरे तुम कौन हो? मैं सन 2024 हूँ। परंतु तुम कौन हो? मैं सन 2009 हूँ। मैं वर्तमान समय में चल रहा हूँ। और मैं बीत चुका हूँ। मतलब मुझ में और तुझ में बहुत अंतर आ गया है। क्या अंतर? अंतर ये है कि मैं प्रगति और उन्नति की राह पर चल रहा हूँ और तुम पिछड़े हुए हो। पिछड़ता मैं नहीं, पिछड़ते तुम जा रहे हो। अपनी संस्कृति और आदर भावनाओं को भुला रहे हो। परंतु वो कैसे? लो तो तुम खुद ही देख लो, मुझ में और तुम में क्या अंतर है। ये देखो मेरा समय। सूरज बेटा, सूरज बेटा, सूरज बेटा, सूरज बेटा। आया माँ, क्या हुआ? क्या कर रहा था मेरा बेटा? बस कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था। ओ मेरा प्यारा बेटा। बेटा तेरा भोरी गैया को चारा तो डाल के आना और मेरा काम में थोड़ा हाथ भी बटा देना। ठीक है माँ, मैं भोरी गैया को चारा तो डालता हूँ, परंतु आज मुझे मेरे विद्यालय से बहुत सा काम मिला है। कोई नहीं बेटा, काम रात को कर लेना और मैं तुम्हें कल सुबह जल्दी भी उठा दूंगी। ठीक है माँ। क्या हुआ दादी, दर्द हो रही है? हाँ, मेरी टांगों में बहुत तेज दर्द हो रही है। कोई बात नहीं दादी, मैं आपकी तेल से मालिश कर देता हूँ जिससे आपको आराम मिलेगा। जहाँ कहीं मैं पहले बैठा करती थी और किसी को देखती थी, आज मैं वहाँ बैठी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसी तरह से जो है अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना को बनाए रखें, ताकि आज मैं जहाँ हूँ या कोई और यहाँ पर हो, आप उनकी जगह खुद को भी रखें। मुझे भाषण देना तो नहीं आता है, बट मैं बस यही कामना करती हूँ कि आप सब जो भी, मतलब जो भी आप सब सपने देखती हैं अपने लिए, तो काइंडली उनको जो है पूरा करने की हिम्मत भी रखें। केवल ऑफिसर बनना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देश की अगर आप असली सेवा करना चाहते हो, तो मेरा सबसे ज्यादा यही मानना है कि आप सब एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, जैसे मैडम ने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की और भी विशेष ध्यान दिया जाएगा इस सेमेस्टर से या इस ईयर से, तो कुछ लोगों का बस यही मानना है कि नौकरी तो सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या कोई बिजनेस है, आप उसमें अपना बेस्ट दें, आप उसमें 100% अपना दें। बाकी किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो या काउंसलिंग की जरूरत हो, आप काइंडली मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आना चाहती थी। आई वॉज इन अ प्राइवेट सेक्टर, मैं प्राइवेट सेक्टर में थी, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर ने मेरे को गवर्नमेंट सर्विसेज में कहीं ना कहीं धकेला है। बट नाउ मुझे कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि उनके द्वारा लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट भी था।
तो मेरा सभी अभिभावकों से यहाँ पर यही विनती है कि अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, उनको अच्छी गाइडेंस दें, उनको अच्छे संस्कार दें और किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना उन पर बनाएं। बाकी मैं आपसे आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, क्योंकि करना जिद्दी बनना, जिद्दी इस लेवल पर बनना कि आप जो है अपनी हर चीज को, अपने हर लक्ष्य को पा सके और एक स्वाभिमान महिला बनकर, एक इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट विमेन बनकर जो है अपनी जिंदगी को जी सके। आज हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपर में एनुअल प्राइज जो फंक्शन हुआ है, जिसकी हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती राधिका जी तहसीलदार एच जी गेस्ट रहे हैं और साथ में हमारे एक्स प्रिंसिपल मैडम चंद्ररेखा जी एज अध्यक्षा रहे हैं। ये आज हमने जो पूरा साल बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं विभिन्न विभिन्न गतिविधियों में, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो अदर एक्टिविटीज में, बच्चों को सम्मानित करते हैं। यहाँ पे बच्चों ने बहुत बढ़िया कल्चरल कार्यक्रम पेश किया है, बहुत अच्छे अच्छे इनाम प्राप्त किए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इसी तरह से बच्चे आगे भी बुलंदियों को छूते रहें और स्कूल का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।